एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ हाशिम फिरोजाबादी साहब। मैं दो तीन बंद सुना देता हूँ नज़्म का आपको, उसके बाद मैं वो नज़्म आपको सुनाऊंगा। इजाजत है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, यही ना, यही ना, यही यही तो पहले बताते मेरी जान निकली। अरे तुझे अब मजा आया है, हर मिसरे पर आवाज लगाता था, पहले बताता मेरे भाई यही पड़ता। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज, अगला मिसरा जब तक नहीं पढ़ूं जब तक तूफान उठ नहीं जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, अगले मिसरे पर ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह 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 वाह। ताली ली रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, ताली ली रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, कि मैं एक पत्रकार हूँ, कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सच को झूठ कमजोर है इस दौर में। अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो सच बोलना। मैं सच बोलता तो सच बोल कर बता, सुनकर बताओ। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक जिंदाबाद। चलो फिर वापस आते हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया, वो सब होगा, टेंशन ना ले, यही तो प्रॉब्लम है। इतने खुर्शीद भाई के इतने पेमेंट लेते क्यों हैं आप? अब खुर्शीद भाई समझ रहे होंगे इसलिए लेता हूँ। जब कम कपड़े पहनकर लोग इतने बड़े बड़े पेमेंट फिल्म इंडस्ट्री में ले सकते, तो हम अदब का काम करने के लिए कोई इतना पेमेंट नहीं ले सकते। सुनना पेश करता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने, अगले मिसरे पर मैं तायद करना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। नौजवानों, तुम्हारे भरोसे खड़ा हूँ मैं, तायद करना, और खास तौर से आप थोड़ा सा जुड़ा अच्छा लगेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो पढ़ाओ तुम। जिंदाबाद। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो पढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। एक बन पढ़ता हूँ, खास तौर से शरीक होना। शुक्रिया। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। और सुनिए खास तौर से मेरे भाई अराफात साहब,
मैं एक बंद पेश करता हूँ। आरिफ एम साहब, आसिफ एम साहब, ये बंद सुने सुने मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ आसिफ भाई कहाँ चले गए दिन भर। मुझे खुर्शीद भाई यकीन जानिए आप मेरे जाने के बाद कुछ करना नहीं करना, एक बार आसिफ आर्यन साहब का चुम्मा जरूर लेना। देखिए सबसे आसान काम मालूम क्या है, हंसना। अल्लाह करे ये हंसी बरकरार रहे, लेकिन यकीन जानिए अगर आसिफ आर्यन साहब नहीं होते तो मैं इस वक्त भूखा शायरी सुना रहा होता। मसरूफ इतने खुर्शीद भाई हमारे, अल्लाह ने इन्होंने मेहनत से खाली पेट इतना काम किया है तो ये मुशायरा कामयाब होने की दलील। एक बार जोरदार तालियां भाई, खुर्शीद भाई की मेहनत को सलाम अर्ज करता हूं। और सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मुझसे आज आया सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी मैं आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, दो बहनें हैं उज़्बेकिस्तान में रहती हैं, उम्मे कुलसुम, सबसे पहले उन्होंने वायरल किया शरीक होना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे ये स्टैंज़ा एक बंद एक तरफ, सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, फौज पे हजारों की बहत्तर कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आज एक बार हाशिम फिरोजाबाद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। दो मिनट जी जी, नया नया देखिए मेरी बात, मेरे कुछ भाई मुझसे मुझे हुक्म दे रहे हैं कि कुछ नया सुनाइए। मैंने आपको तहत में कुछ नहीं तो आठ गजलें सुनाई, वो सब नई थी, सब पुराना अगला एक शेर सुना दो उसका। सबसे आसान काम मियां वहां से आवाज लगाना है, एक शेर सुना दो पहले। ये मेरे पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं खास तौर से कुछ एक नज्म मुझे खास तौर जिसका हुक्म है वो आप तक सुनाना, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा।
जी, लेकिन एक नज्म मुझे सुनाना है प्लीज। मुझे मालूम है कुछ शेर बीच बीच में वो भी आए हैं जो आपने सुने हैं, और शायर शायर के लिए इससे बड़ा एजाज नहीं होता कि लोगों को उसकी शायरी याद हो। मैं अपने भाइयों की मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूँ, आपको मेरी शायरी याद है, मैं खुश नसीब हूँ आपको मेरी शायरी याद है। मैं लेकिन एक 5 मिनट दे दीजिए मुझे, वो उनको मेरे जो भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको सुनाना है। सुनिएगा, इजाजत है। और क्या चाहिए बाबा, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। ताई कमजोर है, थोड़ा सा जुड़ा पेश करता हूं। और क्या मैं नहीं पढ़ पाता, मेरी प्रॉब्लम, मुझे अच्छे लगते हैं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे के लिए। और एक मतलब पढ़ता हूं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। मैंने अभी तक दावा नहीं किया, लेकिन अब आपको चैलेंज करता हूं, अगले मिसरे पर अपने आप को रोक कर बताओ तो बता, मैं देखना चाहता हूं। सुनिएगा, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। अगले मिसरे में मुझे एतमाद आप जुड़ेंगे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। हम अपनी बात करें, मजहब इस्लाम किसी दूसरे मजहब पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देता। सुनिए खास तौर से, एक दो बंद पढ़ना, उसके बाद जो भाई ने हुक्म दिया है एक नई नज्म का, वो आप तक सुनाऊंगा। ये नज्म आपने सुनी है मुझे मालूम है, लेकिन सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है। जी जी पढ़िए पढ़िए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मेरे बंधु जा रहे थे, जाहिर सी बात है कुछ उन्हें काम होगा मीडिया से आप लोग, लेकिन मुझे विश्वास है मुझे आप दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, अच्छा लगे। सुनेगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको लगे खुर्शीद भाई ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। ये बात, जो शायरी इशारों का नाम है, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, मैं इस मिसरे पर मेरी तारीफ करें। देश में उसी को रहने का हक है जो देश के हक में आवाज उठाए। पेश करता हूँ, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मोबाइल जेब से निकल आए हैं, जेब में रख लो। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश, जब दाद कम आए मैं समझ जाता हूँ कि फ्रेम बनाने में रह गए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, वाह वाह वाह, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस
इस्लाम वो हिंदुस्तान छोड़ दे। फिर से पढ़ना है? मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं फिर से ना पढ़ा, मैं अगला बंद सुन लिया वो नज़्म दूसरे, वो आप बार बार सुनना। पेश करना फिर से लेकिन इससे ज्यादा दाद आनी चाहिए। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो शख्स अभी तक खामोश रहा हो वो अब खामोश नहीं बैठे, मुझे विश्वास है मुझे दुआएं देगा। क्या बात, सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, अगर आप खामोश हैं तो आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, शरीक होना। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराजा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। क्या बात है बा, फिर से पढ़ना है? हाँ ये मैं पढ़ना मुकर्रर, ये बंद फिर से पढ़ दीजिए। मैं हल सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, शरीक होना। यहाँ जब इस नज्म तक मैं पहुंच ही गया हूँ तो फिर वो नज्म मुकम्मल करता हूँ, जो बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। है मेरा झूठ का कारोबार, खुर्शीद भाई मीडिया से है ना, तो क्या सच ना बोलूं? मैं खुर्शीद भाई जैसे ईमानदार उन सहाफी की जानिब से उन लोगों की नजरिए नज्म करता हूं जो अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। मेरी नज्म उनके लिए नहीं है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सही, उन मुट्ठी भर बेईमान मीडिया कर्मी के नाम, सही बात, जो अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं और जो मेरे भाई बार बार बीच में नई के लिए आवाज लगा रहे थे उनसे दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा, पेश करता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं, मेरा नहीं, वरना आप सकते में आ जाए हाशिम भाई, कह किसके लिए रहे, प्रतीक है। लेकिन देखिए अभी तक ये लोग आपसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए। अब इस नजर पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, कि मैं एक पत्रकार हूँ, कि मैं एक पत्रकार हूँ। सुनना, वाह, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, बाबा मैं सच को झूठ बनाता हूँ। आप अगले मिसर पर ये वावा करेंगे, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ। अब अगले मिसर पर दोनों लोग करें, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ,
है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी। वाह 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 वाह। अच्छा लगा, लगा अभी और अच्छा लगेगा, आगे तो चलें। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं अब तो पत्रकार होना भी तो खुर्शीद भाई बहुत आसान हो गया है। अब तो एक मोबाइल, जिसके हाथ में मोबाइल वही पत्रकार है। पहले पत्रकार होने के लिए एक सर्टिफिकेट लिया जाता था, अपनी कुर्बानियां दी जाती थी, देना पड़ती थी। अब तो एक मोबाइल खरीदना पड़ता है, काम हो जाता है। बड़े भैया बैठे हैं, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, सुनिए खास तौर से। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनिए, जो आका बोले करता हूँ। देखिए आप बेईमान हो रहे हैं मेरे साथ, मैं सच बोलने को आप सच सुनकर बताएं, फिर पढ़ता हूं। जो आका बोले करता हूं, वाह, फिर मिसरा संभालो। मैं जूते सर पर धरता हूं, फिर मिसरा संभालो। मैं जेबें नोट से भरता हूं, जो आका बोले करता हूं। मैं जेबें, मैं जूते सच कहने से डरता हूँ, मैं सच कहने से डरता हूँ। हो टीवी चैनल या अखबार, हो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनना कि मैंने अगले मिस्त्री पर मैं हंगामा चाहता हूँ, कोई खामोश ना बैठे। और जो लोग मीडिया से बैठे, जो पत्रकार हैं, वो मुझे आशीर्वाद दें। सुनिएगा, पेश करता हूँ कि मैंने बेचा अपना जमीर, लहू से लिखी है तहरीर, है मेरे पाँव में एक जंजीर, जले आसाम या फिर कश्मीर। करूंगा मालिक का गुणगान, करूंगा मालिक का गुणगान, मिटे मिट जाए हिंदुस्तान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। न मैं जापान वाला हूँ, न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ। वतन पर जा लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। न मैं जापान वाला हूँ, न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ। वतन पर जा लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल। दो में से सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए।
से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, अपने इस देश को, अपने इस देश को एक बात तो बतानी है मुझे। जिनके हाथ को कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही आसिफ भाई, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत जहीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये सबसे खराब शेर था जिस पे आपने सबसे ज्यादा दाद दी। मुझे एक शेर पाकर, यहाँ मीडिया मौजूद है, वो मीडिया जो मेरे मिजाज की है, तो कल मुझे अखबार में जगह दे ना दे, मेरी इन दो लाइनों को जगह दे। खुर्शीद भाई के इस मुशायरे का मकसद परोसता हूँ, सुनना। कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत जहीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनेगा, जिनके हाथों से तिरंगा संसद से, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीन। और चार लाइन और सुन लीजिए, खास इजाजत है, लगता आप लोग थक गए, लगता है नहीं आप थक गए। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। अगर आप चौथी लाइन में अपने आप को रोक पाओ तो बताना। पेश करता हूँ स्टेज, जी जी स्टेज पर सब लोग तशरीफ रखते हैं, मैं उनका ध्यान चाहता हूँ। सुनेगा, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। मोहब्बत का तुम अब वाह वाह वाह, रुख मोहब्बत का तुम ले 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 फोटो ले ले, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे ही पास आएगी। लड़कियों पर नहीं अब जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अभी तक 2020 यही जीत रहे हैं, आज जो है पाटीदार ने 107 कर दिया, आज 100 कर दिया पाटीदार ने, तुझे पता है? तो ये भी तुम्हारे पाटीदार है। सुनना खादा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएं। मेरे लिए नहीं, आपके हाथ इस देश के लिए खुले, और दिखाओ लो जमाने को कि तुम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हो। चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना, पेश करता हूँ। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम।
कम झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। आइए एक मतलब एक शेर पढ़ दो और अपनी जगह लेता हूँ। आपने हुक्म दिया है, खुर्शीद भाई ने कहा है, इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है, सुनेगा। आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे। वाह 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 वाह, ये मेरा इतना पुराना मतला है कि मैं खुद कहीं का मिसरा कहीं पढ़ गया। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटान। अब सुनना, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क के हराम से, रिज़्क के। शेर पेश करता हूं, मैंने जैसा कि कहा, जो लोग पीछे सब में बैठे मेरी तायद करेंगे, सुनना। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क हराम से, रिज़्क हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम।